यार हमें अपना बच्चा करना, डॉक्टर मना कर रहा है, क्या सीन है। टोटल मंथली यूट्यूब इनकम, यार ये यूट्यूब सैलरी मत पूछा करो हमारी यार, बता दूं। देखो मोटा मोटा हिसाब नहीं, मोटा मैं सीधा सीधा बता दूं। स्वाति प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? कितने गंदे हो। मतलब समझ रहे हो, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा है डसना, बीवी पति को डसती रहे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊंगा नहीं, दिखा दूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे और आप लोगों से बोला था कि आप लोग जो क्वेश्चन हम लोगों से करना चाहते हो। कई लोग ऐसा होता है कि हमारे क्रिएटर्स, फ्रेंड्स वगैरह, यूट्यूब फैमिली वगैरह जो हमसे मिलना चाहती है वो मिल नहीं पाती, हमसे सवाल करना चाहती है नहीं कर पाती। तो इस वजह से हमने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी और आप लोगों से बोला था कि आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकते हो। तो 70,000 लोगों ने 10 घंटे के अंदर वो स्टोरी देखी और कम से कम 8 से 9 हज़ार लोगों ने कमेंट करे। तो भैया 8 से 9 हज़ार लोगों के रिप्लाई देने बहुत मुश्किल थे और आधे से ज़्यादा उसमें सेम थे, जिसमें से मैंने अरे कमेंट देखे हैं मैंने, बस सिलेक्टेड 25 कमेंट को मैंने चूज़ किया है, अब उनके मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, करें करो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सबसे पहले है हमारे ऑफिशियल कंचन जी, स्वाति प्रेग्नेंट कैसे हुई थी, नेचुरल या दवाई से? नेचुरल। नेचुरल कैसे होता है? मतलब एक होता है कि डॉक्टर तो बहुत टाइम से लोग नहीं होते थे, डॉक्टर दवाइयां देते हैं कि ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, और दवाई से नहीं, और नेचुरल। नेचुरल ऐसे कि हम दिखाने भी नहीं गए और प्रेग्नेंट नहीं हो, शादी वाले लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं वाली। यार ये ही होता है नेचुरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल क्यूट ब्यूटी स्वाति दीदी सच में प्रेग्नेंट है, कौन सा मंथ चल रहा है? तो ये जो भी है कमेंट किया इन्होंने, मैं आप बता देता हूँ कि स्वाति प्रेग्नेंट नहीं है, थी बट वो मिसकैरेज हो गया, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, वीकनेस आ गई, इसीलिए वीकनेस हो गई है। अभी पिछले 3-4 दिन से ठीक हुई है, नहीं तो 2 महीने तबीयत खराब थी स्वाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु शंकु जी, हेलो दी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप बिना मेकअप के वीडियो कैसे बना लेती हैं? तो इसका तो सिर्फ सिंपल सा आंसर देंगे कि जो भी कुदरती खूबसूरती है जो भगवान ने दी है, मुझे पसंद है। स्वाति तो कई बार फिल्टर लगा देती है, तो मैं स्वाति से बोलता हूँ स्वाति बिना फिल्टर के बनाया करो ताकि पब्लिक तुम्हें रोड पे पहचान ले, नहीं तो कई बार ऐसा होता है तो पब्लिक पहचान नहीं पाती। आप मेरे को पब्लिक ये बोलते हैं कि दीदी आप वीडियो से ज़्यादा सामने से अच्छे लगते हो, वीडियो से ज़्यादा सामने से अच्छे लगते हो, जो भी सामने मिलता है। इसलिए तो हम ज़्यादातर नॉर्मल ही बिना फिल्टर के वीडियोज़ बनाते हैं, कभी कभी जिसमें नहाई धोई नहीं होती तो फिल्टर लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ता शेखर, आपके घर बनाने में कितना पैसा लग गया अब तक? 6 लाख तो मैंने दिए थे उनको और स्टार्टिंग को ठेका दिया था हमने, 2.5-3 लाख रुपए अभी इस महीने खर्चा हो गया, 9 लाख हो गया, 2.5-3 लाख इस महीने हुआ, अब 4 लाख और होने वाला ना, वो अलग है, ज्यादा हो गया। हाँ। अरे हिसाब लगा रहा हूँ ना, 6, 3, 9, 4, 13, 13 लाख तो जो है वो मोटा मोटा है, उसके बाद 1.5-2 लाख का सामान मैं अलग से लाया हूँ, तो अब तक 15-16 लाख लग चुका है, 10 लाख रुपये और लगेगा, हो जाएगा। अभी लेंटर पे ही काम आया है, लेंटर पे काम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूल एंजल, टोटल मंथली यूट्यूब इनकम, यार ये यूट्यूब सैलरी मत पूछा करो हमारी यार, आप लोग काम करो आप लोगों को ही पता लग जाएगा, बता दूं। देखो मोटा मोटा हिसाब, नहीं मोटा क्यों, मैं सीधा सीधा बता दूं। हाँ बताओ। मोटा मोटा क्यों, सीधा सीधा बता दूंगा, हमारी 40 से 50 हज़ार महीना आ जाती है, ध्रुव की 10,000 आ रही है, व्यूज के ऊपर है भाई, देखो कम आएंगे तो कम आएगी, ज्यादा आएंगे तो हमने 1 महीने में 6 लाख रुपए भी कमाया, हमने 1 महीने में 12 लाख भी कमाया, ऐसा है, व्यूज के ऊपर है, अप डाउन होता रहता है तो उसकी टेंशन नहीं है, बिजनेस है। यस। बस तो अभी जो एवरेज चल रही है हमारी 1 लाख समथिंग चल रही है हमारी इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा बेबी, स्वाति अपने सास ससुर के सामने अच्छे कपड़े पहन के क्यों नहीं रहती है, लोअर और इतना टाइट टी शर्ट क्यों पहनती है? इसका आंसर मैंने तो ज़्यादा, मुझे लगता है मैंने टाइट टी शर्ट नहीं पहनी है, ज़्यादा सूट ही रहती हूँ, सूट पे ही, और जब मेरे मम्मी पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शायद किसी को नहीं होनी चाहिए, मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मेरे को नहीं प्रॉब्लम है,
मैं और सास ससुर ने बोला बिटिया जैसे रहो, जैसे हमारी बिटिया रहती थी वैसे तुम रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार चौहान संदीप, इतनी महंगी महंगी आइडिया बना लेते हो यार आप लोग, सीधा सीधा संदीप चौहान डाल देते, कुमार संदीप चौहान। ध्रुव की बहन कब आएगी? 4 साल बाद। बक क्यों? बक क्या? 4 साल बाद जब आएगी आपको पता लग जाएगा। 2 साल तो होने वाले हैं ध्रुव को, तो अभी मतलब 1 साल के अंदर प्रोसेस करेंगे तो 4th साल में आ जाए। नहीं डॉक्टर ने मना किया, चलो आगे चलो। यार हमें अपना बच्चा करना, डॉक्टर मना कर रहा, क्या सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता चौधरी, आप स्वाति की बहुत केयर करते हो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अरे एक ही तो बहू है, मेरी बहू है, पति पत्नी अगर एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, और यही है जो है। बाकी फिर मम्मी पापा है वो अलग चीज है, लेकिन जो बीवी होती है वो अलग चीज होती है। यार रुला गया। ये वीडियो चल रही है इसलिए तारीफ करनी पड़ रही है। कितने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सविता चौधरी जी का ही है, आप लोग अपनी मम्मी पापा को साथ रखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा सविता जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूं। मेरे मम्मी पापा ने हमें रखा हुआ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ, मैं कभी अपने मम्मी पापा को अपने पास नहीं रख पाऊंगा, बल्कि मम्मी पापा हमें रखे। ऐसा लड़का नहीं होगा अपने मम्मी पापा को रख सकता है, जो ऐसा कहता है ना कि मैंने अपने मम्मी पापा को रखा हुआ है, तो भैया आप धन्य हो। मेरा तो सीधा है कि भाई मैं मम्मी पापा के पास रह रहा हूँ, बस खर्चा मैं चला रहा हूँ वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। भाई बेटा नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा, बुढ़ापे में तो बेटा ही कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका शर्मा, भैया भाभी ध्रुव के बर्थडे पर क्यों नहीं आए थे? तो क्या नाम है इनका, अनामिका जी को मैं बता दूं, देखो एक नौकरी होती है ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसी से आपका खर्चा पानी चलता है। और मेरा भाई है वो नौकरी करता है, उसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये है मंथली, और अगर वो छुट्टी कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी रक्षाबंधन पे फिर छुट्टी नहीं मिलती, ऑफिस में भी कुछ काम चल रहा था इसलिए वो छुट्टी नहीं मिल तो पाई थी। नौकरी मैंने भी करी है भाई, मैं होली वाले दिन आधी होली खेलने के बाद नौकरी पे चला जाता था, मैंने भी नौकरी करी है। अब भगवान की दुआ से यूट्यूब पे काम चल रहा तो क्या जरूरत है नौकरी करने की, अभी भी अकेले नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिज गोयल, ये सारे लेडीजों के आए हैं, आपने मेरे चैनल में पूछे ना ऐसा। लड़के तो पता है क्या कर रहे थे, अरे मुझे नहीं पूछना। क्यों पूछे, तू कोई नेता है? ऐसे कमेंट आ रहे थे तो मैं, भाई मर्जी आपकी कुछ भी मानू। मिसेज गोयल, आपने ध्रुव को इतने अच्छे संस्कार कैसे दिए? मेरा बेटा 11th मंथ का है, प्लीज आंसर, ताकि मैं अपने बेटे को संस्कार दे सकूं। तो भैया मैं आपको बता दूं, वो हमारे घर में पंडित पैदा हो गया है, हकीकत बात आ रहा हूँ, पता नहीं कैसे ये तो नहीं मैं बताती हूँ, मैंने बताया भी था नेक्स्ट ब्लॉग में, अब पता नहीं शायद वही हो या फिर कुछ और रीजन हो। जब ध्रुव पेट में था तो मैंने भगवत गीता पढ़ी थी पूरी नवरात्रों में, और सुबह शाम ये गाती थी, अक्षतम केशवम, ये से गर्भ संस्कार मंत्र बोलते हैं। हाँ, मैंने सुना था गर्भ में ही संस्कार मिल जाते हैं। और बाकी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भैया पंडित पैदा हुआ हमारे घर में, मैं बड़ा खुश हूँ। पूजा भक्ति बहुत करता है, पूजा तो इतनी करता है, पैर है सबके छूता, भैया आदर सम्मान करता है। मैं तो कहूँ बेटा ऐसी प्यार बना रहे, अभी उसके ब्लॉग कल देखना, कल मम्मी ने बोला ध्रुव जय जय करे, माथा टेका, वो फोन में माथा टेकने लग गया। आप ध्रुव का ब्लॉग देखना, बहुत हरकतें करता है मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलबुल सिमोलिया जी, आपने रील बनाना इतना कम क्यों कर दिया है? तबीयत तो ठीक है ना आप दोनों की? बुलबुल जी मैं बता दूं, थोड़ा सा ना अभी पिछले 1-2 महीने से स्वाति की तबीयत खराब थी, और हमारा घर भी बन रहा है, तो ज़िंदगी थोड़ी सी हौच पौच चल रही है, मिक्स हो रखा है, और घर में बहुत सारे लोग भी थे, दीदी भी थी, भाभी भी थी रक्षाबंधन पे। कोई नहीं, अब जल्दी रूटीन में आएंगे हम। अब जल्दी से रूटीन में आएंगे, और डेली की एक रील मेरे चैनल पे, एक रील स्वाति के चैनल पे परमानेंट आएगी। स्वाति तो दो भी डाल देगी, लेकिन मैं एक रील रेगुलर डेली डालने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोवर छवि, आप ब्लॉग के अलावा क्या काम करते हो? खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, अभी तो यही चल रही जिंदगी। मैच खेलता हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ बस, पर जल्दी कुछ हम अच्छा करने। नहीं मैं बता दूँ आपको, आज से 5-6 महीने पहले जब ध्रुव का अन्नप्राशन हुआ था, तब मैं एक बिजनेस खोलना चाह रहा था,
मेरा मन था एक रेस्टोरेंट ओपन करने का, क्योंकि रेस्टोरेंट में मैंने 8 साल नौकरी करी है तो रेस्टोरेंट के बारे में मेरे को बहुत नॉलेज है। बट उस टाइम कोई सिस्टम बन नहीं पाया जिसका किराया मैं 60,000 देने को तैयार हो गया था महीने का, बट उनका 1,00,000 रुपये डिमांड था, तो मेरा उतना ब्योत नहीं था कि मैं 1,00,000 रुपये रेंट दे सकूँ, फिर रेस्टोरेंट में सामान भर सकूँ, 8-10 जने लड़के रख सकूँ जिनकी सैलरी, तो महीने का 4-5 लाख निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी जो मैं अब घर बनवा रहा हूँ वो सब उसी में घुस जाती, तो मैंने ये डिसाइड किया पहले हम अपना घर बनवा लेते हैं, घर हो जाएगा उसके बाद हम छोटे से शुरुआत करेंगे, पहले एक छोटी सी स्टॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेस्टोरेंट खोलेंगे। जल्दी अच्छा आपको जल्दी मिलेगा सब कुछ। दिवाली के बाद से आपको मेरा एक बिजनेस छोटा सा खुला हुआ मिल जाएगा, जो कि मेरे बहुत सपना था कि मैं भाई एक अपना खुद का बिजनेस खोलूँ, वो खोलूँगा, छोटे शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये थोड़ा सा नाम में दिक्कत चल रही है, अलीश बंसारी या अलिजबा अंसारी ऐसा कुछ नाम है, इन्होंने पूछा है कि आपकी लव मैरिज है तो आपको घरवाले कैसे माने शादी के लिए। भैया लड़का स्मार्ट हो, घरवाले पैर धो के पीते हैं, हकीकत बात, पीछे पीछे भागे थे मेरे कि बेटा मेरी बेटी आज शादी कर लो, है ना। मान लो जो ये कह रहे हैं, मान लो भाई मैं बता दूं, लड़की के माँ बाप को ये यकीन दिलवा दो कि आप उनकी बिटिया को खुश रखोगे जैसा मैंने रखा हुआ है आई थिंक, तो घरवाले शादी करा देंगे, बस ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहल रौनक, स्वाति अपने मम्मी के घर कभी जाते हुए नहीं दिखती, वो मायके जाके रहती नहीं है, क्यों? कुछ दिन के लिए तो रह सकती है यार, बगल में घर में डेली जाती हूँ। ये झूठ बोल रही है, ये तो घर अभी हुआ है 2-3 महीने से, इससे पहले भी इसका मन नहीं करता था, पति ज्यादा खुश रखा। जब ससुराल में खुशी मिल रही हो हर चीज की तो मायके में क्यों जाना, और मायके में तो ऑलरेडी 17-18 साल रह गए, आई है ना भाई, अब फिर वहां जाएगी फिर आप कहोगे, अब जैसे एकता दीदी के लिए बोलते हैं कि ये मायके में क्यों पड़ी रहती है, अब यार वो ससुराल में रह रही तो रहने दो यार, पहली ऐसी लड़की है जो मायके नहीं जाती, यही कलेश है कि मेरे को मायके जाना है, हर 10 दिन में मायके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल नेहा गुप्ता, आप इतने स्मार्ट हो, थैंक यू, बट स्वाति उतनी स्मार्ट नहीं है, ये तो पता है, फिर भी आप शादी किए हो, लव है या अरेंज मैरिज? देखो सच बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट मैं हूं वो तो मुझे पता है। नहीं देखो, जब दिल मिलते हैं ना, वो कहते हैं ना जब दिल आया परी पे तो गधी क्या चीज है, ऐसे कुछ ही। हेलो, परी बोला, गधी नहीं बोला मैंने, सोचो, सोचो दिल आया गधी पे, ये डायलॉग है, लेकिन मैंने दिल आया परी पे बोला। हाँ बात तो वही कर रहे हो ना, क्यों कर रहा हूँ मैं, सच बात बता रहा हूँ, जब मैंने स्वाति को पहली बार देखा था उसी दिन सोच लिया था कि यही मेरे बच्चों की अम्मा बनेगी, बस। अब रंग से क्या होता है, मैं भी काला ही हूँ भाई, दाढ़ी अभी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल राजपूत, आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, मीटअप कब रख रहे हैं? आपने प्रॉमिस किया था 1 मिलियन पे मीटअप होगा, इसका आंसर हाँ। देगी, घर बनने के बाद मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मीटअप होगा 1 मिलियन जब मेरे हुए थे, जब झारखंड जा रहे थे ना, उसके बाद फिर आपको पता होगा अक्टूबर मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर पता नहीं चीजें ऐसी, तब से ही हमारा थोड़ा रूटीन सही से नहीं चल रहा है, इसलिए घर बन जाएगा एक बार, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कहीं पे ये करना वो करना, बहुत सारी, लेकिन मैं आपको एक वादा कर देता हूँ, इस साल के एंड तक आप मीटअप हम रख लेंगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजी केडी, स्वाति अपने मायके क्यों नहीं जाती अपने घर, स्वाति अपने मायके क्यों नहीं जाती, इसका मैं आंसर दे चुका हूँ, आपका घर बन जाने के बाद आपके भाई भाभी भी आपके साथ रहेंगे, कि देखो वो घर है मम्मी पापा के साथ मैं रह रहा हूँ, तो भैया भाभी भी आएंगे साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी गाजियाबाद में जॉब कर रहा है, और मेरा भाई है उसका भी घर है, जब उसका मन करे तब आए रहे, ऐसी क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि खरे, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी आ रही है? दे चुके हैं भैया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुश पहले तुम बहुत स्मार्ट लगते थे, अच्छे अच्छे कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा वर्मा, अंकुश पहले तुम बहुत स्मार्ट लगते थे बट अब क्या हो गया है, फिटनेस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो?
मैं पहले स्मार्ट लगता था, थैंक यू सो मच, वो मेरी जवानी का टाइम था, बुढ़ापा अभी भी जवान हूँ नहीं, लेकिन वो टीनेजर्स था मैं उस टाइम पे। अब बाप बन गया हूँ, तो जब आपने मेरी वीडियो देखी वो 5-6 साल पुरानी है, समझ रहे हो, तो 6 साल में बहुत सी चेंजेस आते हैं। हाँ मैं मानता हूँ मैंने अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मैं मोटा हो गया हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी फिटनेस पर ध्यान देने वाला हूँ और कोशिश करूँगा मैं पहले जैसा दिखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवि 8076, यार यूट्यूब इनकम बताओ अपनी मंथली कितना आ जाता है, अप्रोक्सी बता दो। ये यार इनकम वालों ने परेशान कर दिया, पता है क्या, लोग अपना चैनल खोलना चाहते होंगे तो वो समझ पूछना चाहते हैं कि कैसे क्या, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पूछता है ना भाई इससे प्रॉफिट। भैया अगर आपका हर वीडियो पे 1 लाख व्यूज आएगा तो आपकी मंथली 1 लाख रुपए कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका जैन, दीदी एंड भैया आपकी लव मैरिज में कितनी प्रॉब्लम आई है फिक्स होने में। इसका भी मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ कि भैया लड़का स्मार्ट हो तो सास ससुर अपने आप आ जाते हैं, और बिटिया स्मार्ट हो या सारे काम जानती हो तो भी सास ससुर आ जाते हैं बहू ढूंढने में और दामाद ढूंढने में। yes. तो भैया इनके मम्मी पापा ने भी मेरे को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं दी, और मेरे मम्मी पापा ने भी बहू ढूंढने में ज्यादा दिक्कत। अगर आपको ज्यादा जानना है तो हमारी लव मैरिज की वीडियो, यूट्यूब पे पढ़िए, सर्च मार लो लव मैरिज अंकु सक्सेना, पूरी स्टोरी बता रखी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती जीत, पहले तो आप दोनों इतने अच्छे रहते थे, आजकल क्या हो गया, जो जी में आया पहन लिया, और स्वाति इतनी काली कैसे हो गई। देखो भैया काली की बात नहीं है, मैं बता दूं, पहले हम सिर्फ वीडियो ही बनाते थे, बट अब जब से ध्रुव हुआ है हमारे ऊपर आ गई जिम्मेदारियाँ, तो हमें ध्रुव के हिसाब के कपड़े पहनने पड़ते हैं स्वाति को, उसे कभी भी दूध वगैरह पीना पड़ता है, और हमारा घर बन रहा है तो हमें कभी भी प्लॉट जाना पड़ता है, और धूप में हम भटकते रहते हैं, तो रंग थोड़ा सा डाउन हो गया, काली नहीं हुई है स्वाति, काली नहीं है भैया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है स्वाति। 15 दिन घर पर रहूंगी फिर कलर साफ हो जाएगा। हाँ 15 दिन घर पर रहेंगे कलर साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स पीहू, स्वाति इतना सब कैसे अच्छे से मैनेज कर लेती है, कैसे करते हैं सब, प्लीज रिप्लाई भैया भाभी। स्वाति अच्छे से मैनेज इसलिए कर लेती है क्योंकि बस अरे हाँ बोलो, अगर हस्बैंड अच्छा हो सब कुछ हो सकता है मैनेज, कुछ भी हो, बस इतनी तारीफ, बस एक लाइन। देखो भैया अगर रिश्ते निभाने हो ना बढ़िया तरीके से तो रिश्ते मैनेज करने पड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन उनसे था भैया भाभी से, और दीदी आई नहीं उससे रिलेटेड था। तो भैया अगर हमको कोई सिचुएशन होगी और हम दीदी के घर जाएंगे, हमारे मम्मी पापा ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम सब बढ़िया करते हैं, मैं अगर भैया भाभी के घर जाऊँगा तो वो भी हमारा अच्छे से देखभाल करेंगे, दीदी हमारे आई हमने अच्छे से देखभाल किया, हम दीदी के यहाँ जाएंगे तो ऐसा है, तो हम सब एक दूसरे को मैनेज करना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक साथ आंसर देंगे, 1 2 3 ट्रस्ट। ये बोल रही विश्वास, मैंने बोला ट्रस्ट, मतलब एक ही है लगभग, देख लो मतलब समझ रहे हो, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा है डसना, बीवी पति को डसती रहे। बेटा ये लाइट ना मार लीजो मुंह पे, लाइट टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ चुभ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इतना सुंदर है बेटा नजर ना लग जाए, थू थू थू। हाँ तो गाइस लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊंगा नहीं दिखा दूंगा, इनका नाम है आई एम साक्षी जी, दिखाना भैया, तो ये है हमारे आकाश भाई और ये है हमारे विष्णु भाई। आकाश भाई शर्मा के रहे ऊपर तो देखो, अरे आकाश भाई तो विष्णु भाई करते हैं एडिटिंग हमारे व्लॉग की और आकाश भाई करते हैं शूट, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वीडियो शूट किससे करवाते हो और एडिट किस कराते हो, तो ये है हमारी टीम और बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। अभी थोड़ा सा स्वाति ढीली पड़ जाती है कई बार, तो ऐसा होता भैया आके कहते हैं भैया व्लॉग बना लो। तो बस भैया यही था हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, जो आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लव यू ऑल। हमारे आकाश भाई थोड़े शर्मीले हैं इसलिए उन्होंने मुंह छुपा लिया था, कोई दिक्कत नहीं। तुमने हिंदी में पौका है, बच्चा कितना भूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतल पी ध्रुव आ जाए एक बार, खाली बोतल पी रहा है मेरा बच्चा।
दूध खत्म हो गया, दूध दो जाके, दरवाजे एक बार, अभी ला रहा हूँ दूध। तो गाइज अभी हमारे घर दूध आया नहीं है, तो अभी मैं ब्लॉग शूट हो गया, अब दूध लेने जा रहा हूँ।